Naughty America. Nobody. 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 Does it better. इस आवाज से आपको पता तो चल ही चुका होगा कि आज की वीडियो किस पर है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री के पीछे की काली सच्चाई बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं। पॉन, एक ऐसा नाम जो हमारी जिंदगी के अकेलेपन में बहुत काम आता है। एक ऐसी दुनिया जिसमें जाने का कभी ना कभी आपने मजाक में तो सोचा ही होगा। ग्लैमर और अंधाधुन पैसों की इस दुनिया के कई ऐसे काले राज हैं जो आपको शायद ही पता हो। पॉन इंडस्ट्री दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, जिसमें 14,000 से भी ज़्यादा वीडियोस हर साल बनती हैं और इनकी नेटवर्थ इनकम पर ईयर 97 बिलियन डॉलर है, जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड की मिलाकर भी नहीं। अगर बात की जाए इनकी वीडियोस के बारे में, तो पॉर्न इंडस्ट्री आपके दिमाग से खेलती है। वीडियोस में दिखाई गई ज़्यादातर चीज़ें फेक होती हैं। वीडियोस में कास्ट करी गई फीमेल एक्ट्रेस 40 प्लस होती हैं, जो कि मेकअप की वजह से हमें यंग लगती हैं। बॉडी की बात करें तो इनकी ब्रेस्ट भी फेक होती है, जिसमें सिलिकॉन का यूज़ होता है, जो सर्जरी के बाद हमें बहुत ज़्यादा सेक्सी और अट्रैक्टिव लगती है। ऑर्गेज्म की बात करें तो वीडियो की सारी आवाज़ें डब करी जाती है और उस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी और एक्साइटमेंट से भरा जाता है, ताकि दर्शक ज़्यादा से ज़्यादा बार उसे देखें। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड नाइट्स होती है, जिसमें हर कैटेगरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिसे AVN एडल्ट वीडियो न्यूज़ से जाना जाता है। 2019 की अवार्ड लिस्ट आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सभी स्टार्स के हर महीने टेस्ट होते हैं और हजारों पॉर्न स्टार किसी न किसी बीमारी की वजह से मारे जाते हैं। चमक से भरी हुई ये दुनिया जितनी अच्छी हमें बाहर से दिखती है, अंदर से उतनी ही फेक और भयानक है। सेक्स ट्रैफिकिंग, पॉर्न इंडस्ट्री की तरह तेजी से फैलते इस धंधे में लाखों लड़कियों को किडनैप करके देश विदेश में उनकी तस्करी की जाती है। जब इनका काम खत्म हो जाता है, तब इन्हें मार दिया जाता है या तो पॉर्न इंडस्ट्री को दे दिया जाता है। दलदल में कोई अपनी मर्जी से आता है सेटिस्फैक्शन और पैसों के लिए, तो कोई धोखे से लाया जाता है। इनका काम आसान करती है कुछ ऐसी एजेंसीज, जो इनको मॉडलिंग के ऑफर देके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, और अगर उन्हें तोड़ने की बात करें तो उन्हें मारा और टॉर्चर किया जाता है। जोर जबरदस्ती की इस इंडस्ट्री में कई स्टार्स डिप्रेशन और ड्रग से दम तोड़ देते हैं, तो कई PTSD यानी पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। इस काली इंडस्ट्री के राज कई बार पॉर्न एक्ट्रेस ने खोले हैं, जिसमें से लिंडा लवलेस, मिया खलीफा, शली जुबैन जैसी स्टार शामिल हैं। डीप थ्रोट, पहली मेनस्ट्रीम पॉर्न जिसने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और अपना नाम उस साल की टॉप 10 ग्रॉसिंग फिल्म्स में दर्ज कराया। उस फिल्म की एक्ट्रेस लिंडा लवलेस ने कहा कि उनसे ज़बरदस्ती वो फिल्म कराई गई थी। उनके हस्बैंड ने उन्हें टॉर्चर कर और पीटा था, वहीं जान से मारने की धमकी दी थी। वहीं शैली लुबैन और मिया खलीफा ने बताया कि कैसे उनसे सारे सीन्स ज़बरदस्ती कराए जाते थे, और अगर किसी चीज़ के लिए आप मना करें तो 70% फीस काट ली जाती थी। उन्होंने ये भी बताया कि 60% वीडियोज़ जिन्हें देख के आप इंजॉय करते हैं वो रेप वीडियोज़ होती हैं। उन्होंने बताया कि हम स्टार्स नहीं बल्कि रेप विक्टिम्स हैं, जो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते पर दूसरों को अवेयर ज़रूर कर सकते हैं। 2017 एक ऐसा साल जहां दो एक्ट्रेस रिजान बेल्ट्रेन और ऑगस्ट एम्स, जिन्होंने इस इंडस्ट्री के चलते खुद की जान ले ली, और इनकी सुसाइड ने इस इंडस्ट्री के कई राज खोल दिए। ऐसे कई स्टार्स हैं जो हर दिन मारे जाते हैं पर चीज़ों को छुपा दिया जाता है। ब्रूटल पॉर्न्स एंड चाइल्ड पॉर्न्स जो कई देशों में लीगल है, जो रेप्स को बढ़ावा देती है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो गुस्से और अपने साइको दिमाग के लिए दूसरों को शिकार बनाते हैं, उन्हें ड्रग्स का ओवरडोज देके कई बार ऐसे घिनौने काम कराते हैं। अपनी ईगो के मारे ये लोग पॉर्न के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि बच्चों को भी नहीं छोड़ते, जो कई बार हॉलीवुड मूवीज में भी दिखाया गया है, जो अपने ब्रूटल रवैये के चलते बैन कर दी जाती है। फिर भी ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉर्न देखने वाले देशों में इंडिया 4th नंबर पर आता है और फीमेल्स की कैटेगरी में इंडिया 5th नंबर पर है।
यही रीज़न है कि इंडिया पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे है। इंडिया के अलावा कई देश ऐसे हैं जहां पोर्न लीगल नहीं है। इंडिया में चलते रेप केसेस की वजह से पोर्न बैन कर दी गई थी, पर ऐसी कई VPN ऐप्स हैं जिससे आप अभी भी इजीली पोर्न देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे उस इंडस्ट्री के कुछ डार्क सीक्रेट्स। ऐसी कई रियल फैक्ट्स और मिथ की कहानियाँ लेके मैं आपके बीच हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कॉमेंट और शेयर कीजिए।